chapter whose name is articles. Okay, so first question arises, what are articles? अगर हम ये chapter start कर रहे articles, तो इसमें सबसे पहला question arise होता है कि articles होते क्या? ठीक है, तो यहाँ आपको दिया हुआ है कि a, an और the, ये क्या है हमारे articles. अब ये a, an, the जो होते हैं, इनके हम लोग uses के बारे में पढ़ेंगे कि इसका हम लोग use कहाँ कहाँ करते हैं. क्योंकि आपको आर्टिकल्स के बारे में तो ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, बिकॉज ऑलरेडी आप अपने पहले क्लासेस में भी पढ़ चुके हो कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और उनके यूजेस कब कब करते हैं. ये थोड़ा सा एक्सपेंड करके है, थोड़ा सा बढ़ चढ़ के कि और ताकि आप लोग को और बेटर समझ में आ सके कि हम लोग आर्टिकल्स का यूज कहाँ कहाँ करते हैं. ओके, तो आर्टिकल्स हम लोग ए एंड द को कहते हैं. अब आर्टिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स जो है वो दो तरह के होते हैं. कौन कौन से? तो एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल्स. ठीक है, ए और एन ये आपके इनडिफिनिट आर्टिकल्स में आते हैं और द जो होता है वो डिफिनिट आर्टिकल में आता है. ठीक है, तो इनडिफिनिट मतलब क्या होता है? अनिश्चित. मतलब अगर हम लोग किसी पर्सन थिंग या ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और हम लोग को उन सब में से मतलब एक निश्चित में पता नहीं कि हम लोग किस पर्सन की बात कर रहे हैं, ना उसको इंडिकेट करके या फिर पॉइंट आउट करके या फिर ये कि वो किसी खास के बारे में, अगर हम लोग को ये नहीं पता हो तब वो अनिश्चित जो भी चीजें होती हैं उसके लिए ए और एन का यूज करते हैं. इसलिए ए और एन को हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं. ठीक है, उसके बाद एक और चीज, ए और एन का मतलब होता है एक, यानी कि जब भी हम लोग ए और एन का यूज करते हैं तो हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. इसका मतलब कि ऐसे नाउन जिसको काउंट किया जा सकता हो और वो सिंगुलर हो. सिंगुलर आप सबको पता हो यानी कि जिसका नंबर वन हो. ठीक है, यानी वो एक हो. तो अगर एक नाउन की बात की जा रही है तो उसके साथ हम लोग ए और एन का यूज करते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है कि ए और एन हम लोग कब कब यूज करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग ए का यूज करते हैं. ए है कि ए इज यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. कह रहे कि ए जो है वो ऐसे नाउन के साथ यूज होता है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है. ठीक है, कॉन्सोनेंट आप लोग जानते हो कि ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी जितने भी लेटर्स होते हैं अल्फाबेट्स के वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो वो सब जो इतने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं अगर उस साउंड से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो उससे पहले हम लोग ए का यूज करते हैं. ठीक है, जैसे कि अ बॉल, यहाँ पे देखिए बी आया है और यहाँ पे हम लोग जब साउंड कर रहे तो ब आ रहा है. ब क्या है? कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, तो इसलिए हम लोग इससे पहले अ का यूज करते हैं. अ बुक, यहाँ पर भी ब आ रहा है यानी बी कॉन्सोनेंट साउंड से ही प्रोनाउंस हो रहा है तो उससे पहले भी अ का यूज कर रहे हैं. अ पेन, फिर वहां पी आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है इससे उससे पहले भी अ का यूज कर रहे हैं. लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता चला कि कुछ कि ऐसे नाउन्स जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं उससे पहले हम लोग ए का यूज करते हैं. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नाउन्स हैं जो स्टार्ट तो होते हैं वॉवेल के साथ. देखो वॉवेल के साथ स्टार्ट हो गया, मैंने साउंड नहीं लिया, वॉवेल के साथ स्टार्ट होते हैं लेकिन उनका साउंड कॉन्सोनेंट किधर आता है यानी कॉन्सोनेंट साउंड ही प्रोड्यूस करता है तो उससे पहले हम लोग ए का यूज करते हैं. ओके, जैसे अ यूनिवर्सिटी, अब देखो हम लोग यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं तो इसमें यू नहीं आ रहा है, इसमें देखो वाई ओ, इसमें वाई ओ यू आ जाता है. आप जैसे कह सकते हैं वाई ओ यू आ जाता है यानी कि ये, या फिर हिंदी में आप ऐसे कह सकते हैं यूनिवर्सिटी. ठीक है, यूनिवर्सिटी. ओके,
तो ये आप जब देख रहे हो यूनिवर्सिटी, तो इसमें य से प्रोड्यूस हो रहा है साउंड, ठीक है। तो ये य जो यूज हो रहा है ये व्यंजन होता है, और जब ऐसे व्यंजन के जब प्रोनाउंसिएशन में ये व्यंजन शब्द आ जाता है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कॉन्सोनेंट आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में, इसलिए हम लोग इससे पहले ए का यूज करते हैं। भले ही ये स्टार्ट वॉवेल के साथ हो, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिकॉर्न, इसमें भी य से ही इसका प्रोनाउंस स्टार्ट हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड ये प्रोड्यूस कर रहे, इसलिए इससे पहले अ का यूज होता है। उसके बाद एन का यूज हम लोग कब करते हैं, तो एन का यूज जो होता है ऐसे नाउन के साथ होता है जो कि वॉवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं। अब आपको पता है कि वॉवेल्स क्या क्या होते हैं, वॉवेल्स आपके ए, ई, आई, ओ एंड यू होता है। तो जो भी नाउन इन वॉवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं, बिगिन करते हैं, तो उनसे पहले हम लोग एन का यूज करते हैं। जैसे एन एप्पल, अब यहाँ पे एप्पल है अ, जो कि आपका एक वॉवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो एन यूज कर रहे हैं। एन ऑरेंज, एन आउट, तो ये सब क्या है, वॉवेल साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इनसे पहले हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, एन का यूज कर रहे हैं। ओके, अब एक और चीज, एन का यूज जो होता है वो ऐसे वर्ड से पहले होता है जो कॉन्सोनेंट साउंड से तो बिगिन करते हैं, लेकिन सॉरी कॉन्सोनेंट से वो बिगिन करते हैं, लेकिन जो साउंड उनसे प्रोड्यूस होता है वो वॉवेल होता है। जैसे यहाँ पे आप आवर देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ आवर में हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग वो किससे हुआ, एच से स्टार्ट हुआ, लेकिन हम लोग बोलते थोड़ी ना आवर, हम लोग बोलते आवर, यानी कि ये किससे इसका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, अ से, जो कि एक स्वर है, और जो कि आपका एक वॉवेल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है आवर, तो इससे पहले क्या यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए एमपी, तो एमपी आप देखोगे तो ये ए से स्टार्ट होता है बोलना, ठीक है, एमपी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो किससे स्टार्ट हो रहा है, स्वर से स्टार्ट हो रहा है, इसका साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है, दैट्स व्हाई इससे पहले हम लोग एन का यूज करेंगे। भले ही वो कॉन्सोनेंट से बिगिन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को फोकस किस पे करना है, साउंड पे, कि उसका साउंड वॉवेल आना चाहिए। अगर वो वॉवेल साउंड प्रोड्यूस करेगा तो पहले एन होगा, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करेगा तो उससे पहले ए का यूज करेंगे। बस साउंड यहाँ पे ध्यान पे रखना, जैसे एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे देखो स्टार्ट तो एस से हो रहा है, हॉनेस्ट को हम लोग पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, जो कि ओ से स्टार्ट होता है, तो ओ क्या है, स्वर है, दैट्स व्हाई इससे पहले किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। तो ऐसे वर्ड्स जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हो, लेकिन उनका जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो वॉवेल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उससे पहले हम लोग एन का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पहले इनडेफिनिट आर्टिकल बिल्कुल क्लियर हो गया हो। तब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं टू द डेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल कौन होता है, द। देखो द को डेफिनिट आर्टिकल इसलिए कहा गया है कि वो एक खास चीज के साथ ही यूज होता है, डेफिनिट निश्चित, जो हम लोग को पता है कि हम लोग निश्चित उसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, तो उसके साथ द का यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अब हम लोग ये देखेंगे कि द का यूज हम लोग किसके किसके साथ करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, हम लोग आराम आराम सब देखते हैं कि द का यूज कब कब होता है। तो द इज यूज व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर यानी खास, जब किसी खास चीज और एक निश्चित चीज के बारे में बात कर रहे हो तो उससे पहले द का यूज होता है। जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन द राष्ट्रपति भवन, आप यहाँ देख सकते हो यह निश्चित क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो एक खास है, इंसान है, व्यक्ति है, इसलिए उससे पहले क्या यूज हुआ, द यूज हुआ। और यहाँ पे राष्ट्रपति भवन एकमात्र अकेला मॉन्यूमेंट्स में भी आ सकता है, तो ये भी आपका एक पर्टिकुलर थिंग है, दैट्स व्हाई इससे पहले किसका यूज हुआ है, द का यूज हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग आए तो ये आप देख सकते हो कि द जो है वो ऐसे थिंग्स के साथ यूज होता है जो कि मतलब खास चीजों के साथ
किया जाता है। उसके बाद द इज यूज व्हेन अ नाउन रिप्रेजेंट्स अ होल क्लास, मतलब एक पूरे क्लास को, एक पूरे ग्रुप को जब अगर रिप्रेजेंट करता है नाउन, तो उसके पहले द का यूज होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल्स के थ्रू देख सकते हैं कि द डॉग इज अ डोमेस्टिक एनिमल। तो देखो यहाँ पे डॉग, ये सारे डॉग्स के लिए नाम दिया गया है डॉग। ठीक है, तो इसलिए इससे पहले द का यूज होता है। आप काउ भी ले लो, तो द काउ इज अ पेट एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल, तो आप काउ से पहले भी द का, क्योंकि वो पूरी गाय प्रजाति के लिए, उस पूरे क्लास के लिए एक टर्म, एक नाम दिया गया है, कॉमन नाम दिया गया है, तो इसलिए उससे पहले किसका यूज होता है, द का यूज होता है। ओके, उसके बाद द का यूज सुपरलेटिव्स के साथ करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट बिफोर कि सुपरलेटिव्स क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स ने आपने पढ़ा है कि सुपरलेटिव्स होते क्या। तो सुपरलेटिव देते जो एडजेक्टिव का होता है, उससे पहले हम लोग द का यूज करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कहीं भी आपको अगर पता करना हो कि वहां सुपरलेटिव फिल करना है नहीं, तो याद रखिएगा कि सुपरलेटिव से पहले हमेशा क्या यूज होता है, द का यूज होता है। तो यहाँ पे ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पे टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है, और इस सुपरलेटिव से पहले किसका यूज हुआ है, द का यूज हुआ है। तो सुपरलेटिव से पहले भी किसका यूज होता है, द का। उसके बाद द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड, कह रहे हैं कि उसके जैसा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए और कोई दूसरा या नहीं, यानी सबसे यूनिक, सबसे अलग। तो वैसे ऑब्जेक्ट के नाम से पहले भी द का यूज होता है कि उसकी तरह का और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, बस वो एक अकेला यूज होना चाहिए, अकेला ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो उससे पहले द का यूज करते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन, सन के जैसा कोई दूसरा है नहीं है, वो अपनी तरह का एकमात्र ऐसा थिंग है, इससे उससे पहले द का यूज होता है। मून, तो मून से पहले भी किसका यूज होगा, द का यूज होगा। अब देखिए यह ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट आपका डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ, तो डायरेक्शन के साथ भी हम लोग द का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद द इज यूज बिफोर अ नाउन विच इज मेंशन्ड, which is mentioned or repeated again and again, okay, in a sentence. तो the जो होता है वो आपका, the is used before a noun which is mentioned and repeated once again. क्या है, किसी sentence में अगर कोई noun already mentioned है, ठीक है, और वो sentence में दोबारा repeat, तब उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। ओके, जैसे मैं यहाँ आपको एग्जांपल शो करती हूँ, वी वेंट टू सुरवीज हाउस, यानी हम लोग सुरवी के घर गए। द हाउस वॉज वेरी ब्यूटिफुली डिजाइन, देखो इस सेंटेंस में हाउस ऑलरेडी मेंशन है फर्स्ट सेंटेंस में, ठीक है, उसके बाद जब सेकेंड सेंटेंस में हाउस की बात की गई, तो अब ये पता है कि हम लोग इस सुरभि के ही घर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको एक अनदर यूज द का दिया है कि अगर कोई किसी भी सेंटेंस में अगर कोई नाम ऑलरेडी मेंशन है पहले ही, तो जब नेक्स्ट सेंटेंस यूज होगा तो उस नाउन से पहले द का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया था कि वी वेंट टू सुरभिज हाउस, हम लोग सुरभि के घर गए, तो यहाँ पता लगा कि वो हाउस किसके है, सुरभि का है, तो उस पर्टिकुलर घर के बारे में पता लगा, तो इसलिए अब यहाँ इस हाउस की जगह पे अ नहीं यूज करेंगे बल्कि द यूज करेंगे, क्योंकि ये कोई अनिश्चित नहीं है, ये हमको ये जो वर्ड हाउस है ये अब बता रहे हैं कि ये सुरभि के घर का ही बारे में बात किया गया, तो वो खास हो गया, इसलिए उससे पहले द का यूज करेंगे। तो द हाउस वॉज वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द किस किस चीज के नेम के साथ यूज होता है,
वो माउंटेन रेंजेस यानी कि पहाड़ों के नाम के साथ यूज होता है, जैसे द एल्प्स, द हिमालयस, द माउंट एवरेस्ट, ये हो सकता है. सीज, रिवर्स और ओशियंस यानी समुद्रों, नदियों और महासागरों के नाम के साथ भी द का यूज करते हैं, जैसे द इंडियन ओशियन, द अरेबियन सी, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. आइलैंड्स का आप नाम सुने हो तो जो आइलैंड के ग्रुप्स होते हैं उनके लिए भी द का यूज होता है, जैसे द अंडमान्स, द ब्रिटिश आइसल्स. फेमस मॉन्यूमेंट्स, जो फेमस बहुत मशहूर बिल्डिंग होती हैं, मॉन्यूमेंट्स इमारतें होती हैं, तो उनके लिए भी द का यूज किया गया, जैसे द इंडिया गेट, द ताजमहल. फेमस बुक्स और न्यूज़पेपर्स, बुक्स जो कि बहुत फेमस बुक्स होती हैं और न्यूज़पेपर्स, उनके भी नेम से पहले द का यूज करते हैं, जैसे द गीता, द हिंदुस्तान टाइम्स. नेम्स ऑफ कंट्रीज विच आर ए यूनियन, कहने की कंट्रीज का नाम जो कि यूनियन है, यूनियन मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे कंट्रीज का मिलके वहां पे बना हुआ हो, तो वो उन कंट्रीज के नेम से पहले क्या लगता है, द का यूज होता है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनियन सोवियत. ठीक है, तो ये सब जो है यूनियन, ये कंट्रीज ऐसे जो यूनियन है यानी जिसमें बहुत सारे कंट्रीज मिक्सअप करके हमारे एक साथ इनका एक नाम दिया गया है, इसलिए उनसे भी पहले क्या यूज होता है, द का यूज होता है. नेम्स ऑफ फैमिलीज, किसी फैमिली का अगर नाम है जैसे द खुरानास, तो फैमिली के नेम से पहले भी द का यूज होता है, जैसे कि द भाटियास, द गांधीज. उसके बाद सम इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन हिस्ट्री, कुछ हिस्ट्री में, इतिहास में कुछ ऐसे इवेंट्स, घटनाएं हुए जो हम लोग पढ़ते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, तो उनसे पहले भी द का यूज होता है, जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये हम लोग कहें, तो इन सब के नेम से पहले द का यूज रहता है, जो आपको अच्छे से याद रखना होगा कि द का यूज किस किस के नेम से पहले होता है. ऑलरेडी आप ये चीज जो है आपके बुक में दिया हुआ है, सो आप अपने बुक को भी रीड कर सकते हो और रीड करके वहां पे आप देख सकते हो कि हम लोग द का यूज किसके किसके साथ करते हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो. अदरवाइज आई एम ऑलवेज प्रेजेंट फॉर यू ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस इफ यू वांट. ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको द का यूज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. तो द के यूज के बाद अब हम लोग ये जानेंगे कि द का यूज कहाँ नहीं करते, यानी आर्टिकल्स का ओमिशन, द नहीं सिर्फ ए एन और द का यूज कहाँ नहीं करते, हम लोग को कहाँ नहीं करना चाहिए आर्टिकल्स का यूज. ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज हमें नहीं करना चाहिए. जैसे हम लोग किसी का नाम लेते हैं ना, राम इज अ गुड बॉय, तो द राम इज अ गुड बॉय नहीं लिख सकते, क्योंकि राम क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, तो उस प्रॉपर नाउन के नेम से पहले कभी भी हम लोग आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, और राम द राम कभी नहीं लिखते. ओके, जैसे यहाँ चंडीगढ़ एक प्रॉपर नाउन है, एक सिटी का नेम है चंडीगढ़, तो उससे पहले हम लोग कभी भी द का यूज नहीं करें. चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, उससे पहले किसी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते. मटेरियल नाउंस, आप ऑलरेडी नाउन चैप्टर में पढ़े हो कि मटेरियल नाउंस क्या होते हैं, तो उस मटेरियल नाउंस से भी पहले हम लोग किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते. यहाँ पे गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, तो द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल नहीं लिखें. ओके, उसके बाद बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हेन यूज इन जनरल सेंस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी ऑलरेडी आप नाउन में पढ़ चुके हो कि जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम लोग आम तौर पे यूज करते हैं, जनरल सेंस में यूज करते हैं, तो उससे पहले भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, तो लाफ्टर यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको आमतौर पे एक यहाँ पे थॉट के रूप में दिया है, तो यहाँ पे लाफ्टर जो है इससे पहले किसी भी आर्टिकल्स का यूज हमें नहीं करना है. इसके बाद आप देखोगे बिफोर प्लूरल कॉमन नाउंस व्हेन यूज्ड इन जनरल सेंस, कॉमन नाउंस अगर वो प्लूरल फॉर्म में, ठीक है, तो उस केस में भी उससे पहले किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते. देखो पोएट ऑलरेडी क्या है, एक कॉमन नाउन है. ठीक है,
अब इसमें पोएट्स इस कॉमन नाउन का क्या है, प्लूरल फॉर्म किया है, तो इसलिए इससे पहले भी किसी आर्टिकल्स का यूज नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपका बिफोर द डेज ऑफ द वीक एंड नेम्स ऑफ मंथ्स, यानी कि जो वीक के डेज के नेम होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो इसके नेम से पहले कभी भी किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता, ना ही महीनों के नाम से पहले, चाहे वो जनवरी हो, फरवरी हो, उससे पहले किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, और किसी लैंग्वेज से यानी भाषा से पहले हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। द इंग्लिश नहीं बोलेंगे, सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, जर्मन, चाइनीज, तो लैंग्वेज जो होता है उससे पहले भी किसी आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। तो ये रहा आपका टोटल चैप्टर स्टूडेंट्स। आई होप आपको आर्टिकल्स का यूजेस की आर्टिकल्स कहाँ कहाँ यूज करना है और कहाँ नहीं यूज करना है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जो आप खुद से सॉल्व करो, अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके यू कैन आस्क मी व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो कि आपको वो कैसे कंप्लीट करना है, ओके। अभी आप ट्राई करो कि आपका बुक वर्क आपसे कंप्लीट हो जाए, खुद से बन जाए, नहीं हो रहा है तो आई एम देयर फॉर यू ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन आस्क मी ऑलवेज, ओके। सो इट्स योर वर्क टू कंप्लीट द बुक वर्क विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 21, ओके, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।